हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मेघा और आप सभी का स्वागत है ट्वींस बेबी मामा .com चैनल पर। आज का जो मेरा वीडियो है वो रिक्वेस्टेड वीडियो है, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि हमें ट्वींस प्रेगनेंसी में रिलेशन रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, और इससे हमारे बेबी को कोई नुकसान तो नहीं है, और कब तक रखना चाहिए कब तक नहीं रखना चाहिए। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर हमारी ट्वींस प्रेगनेंसी है तो हम रिलेशन कब नहीं रख सकते हैं। सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपकी प्रेगनेंसी नेचुरल तरीके की प्रेगनेंसी नहीं है, कहने का मतलब है कि अगर प्रेगनेंसी को दवाओं के द्वारा रोका गया है, मतलब बहुत लंबे समय से आपकी दवा चल रही थी और उसके बाद आप प्रेग्नेंट हुए हैं, तो इस दौरान आपको बिल्कुल रिलेशन अवॉइड करना चाहिए। और दूसरी बात, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हमारी जब प्रेगनेंसी होती है तो स्टार्टिंग से ही ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है किसी न किसी कारण से। ब्लीडिंग का मतलब होता है एकदम से ब्लड नहीं आता, बल्कि कुछ स्पॉट आते हैं। अगर आपको स्पॉट ब्लड के स्पॉट आ रहे हैं हल्के से या थोड़े से ज्यादा से, तो आप इस दौरान बिल्कुल भी रिलेशन ना रखें। इसका रीजन ये है कि अगर आप इस दौरान करते हैं तो इससे आपको और आपके बेबी को इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं, तो आप बिल्कुल भी ऐसी गलती ना करें। और तीसरी चीज, जैसे आप प्रेग्नेंट होते हैं, 2.5 से 3 महीने बाद आपका बेबी है वो अपने आप ही हट जाता है, मतलब आपको एबॉर्शन करवाना पड़ता है, और ये आपके साथ 2-3 बार हो चुका है। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो इस दौरान भी आप बिल्कुल भी रिलेशन ना रखें, क्योंकि इससे आपके एबॉर्शन होने के चांस दोबारा से बढ़ सकते हैं। अगर आपकी ये जो ट्विंस प्रेगनेंसी है वो सेकेंड प्रेगनेंसी है, आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी ऐसी रही जिसमें आपका जो बेबी था वो प्रीमेच्योर हुआ था, मतलब समय से पहले डिलीवर हो गया था, तो ये जो सेकेंड प्रेगनेंसी है इसमें भी समय से पहले डिलीवरी होने के चांस बढ़ जाते हैं, और तो इस दौरान भी आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो हमारे बच्चेदानी का मुंह होता है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर से ही खुलना स्टार्ट हो जाता है, तो अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आप बिल्कुल भी रिलेशन ना रखें। आपको ट्विंस प्रेगनेंसी के दौरान कोई वजाइनल इन्फेक्शन है, या फिर कोई यूरिन इन्फेक्शन है, या फिर आपके पार्टनर को किसी भी तरीके का प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन है, तो आप बिल्कुल भी रिलेशन ना रखें, इससे आपके बेबी तक इन्फेक्शन पहुंचने का खतरा बढ़ सकता है। ठीक है, तो आप इस कंडीशन में भी बिल्कुल अवॉइड करें। अगर आपको सर्वाइकल स्टिच लगे हुए हैं, कहने का मतलब है कि किसी कारणवश आपके बच्चेदानी का मुंह खुल गया था, तो डॉक्टर को उसको जो है टांके लगा के बंद करना पड़ा, तो इस सिचुएशन में भी आप बिल्कुल रिलेशन ना रखें। अगर आपकी जो ट्विंस प्रेगनेंसी है उसमें जो प्लासेंटा है वो लो लाइंग प्लासेंटा है, जिसको हम प्लासेंटा प्रीविया भी बोलते हैं, इसका मतलब होता है जो आपका प्लासेंटा है वो बच्चेदानी के मुंह पर आ गया है। कहने का मतलब है जहां से बच्चा बाहर आता है प्लासेंटा वहां पे आ गया है। ठीक है, तो ये ज्यादातर केसेस में क्या होता है, ये 5 मंथ में ज्यादातर प्लासेंटा नीचे आता है, और ये 7 मंथ आते आते प्लासेंटा जो है वापस ऊपर चला जाता है। तो बहुत ही कम केसेस ऐसे होते हैं जिसमें प्लासेंटा नीचे रहता है, अदरवाइज ये प्लासेंटा अपने आप ही ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो अगर आपका जो प्लासेंटा है वो 7 मंथ के बाद भी नीचे ही रह गया है, तो आप इस दौरान बिल्कुल भी रिलेशन ना रखें, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर आप इस दौरान रखते हैं तो ब्लीडिंग आ सकती है और बच्चेदानी का मुंह जो है वो टाइम से पहले खुलना स्टार्ट हो जाएगा, बच्चे को जो है बाहर निकालने की भी नौबत आ सकती है, और अगर ऐसा होता है तो आपका बेबी जो है प्रीमेच्योर होगा। 7.5 महीने से पहले अगर बच्चे को बाहर निकाल लेते हैं किसी कारणवश, तो बच्चे के बचने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, तो आपको इस बात का भी जरूर ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होता है कि सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में आते आते हमारे जो एमनियोटिक फ्लूड होता है वो धीरे धीरे बाहर आने लगता है, कुछ हल्की हल्की मात्रा में बहने लगता है, तो आपको इस दौरान भी बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। इसका रीजन, क्योंकि अगर आप इस दौरान करते हैं तो इससे आपके बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आपकी ट्विंस प्रेगनेंसी है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, तो डॉक्टर इस सिचुएशन में आपको बिल्कुल भी रिलेशन रखने की परमिशन नहीं देते हैं, तो आपको इस दौरान बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। ये थी कुछ ऐसी पोजीशन जिनमें आपको जरूर सावधानी बरतनी चाहिए। और अब हम बात करते हैं कि हम कब आराम से रिलेशन रख सकते हैं। आपकी ट्विंस प्रेगनेंसी बिल्कुल नेचुरल तरीके से है और इसमें कोई भी दवा वगैरह यूज नहीं की गई है, लंबे टाइम से आपका जो है इलाज भी नहीं चला है प्रेगनेंसी को लेकर, तो बिल्कुल आप फिट हैं, आपको कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, तो आप इस दौरान बिल्कुल रिलेशन रख सकती हैं, आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, ट्विन प्रेगनेंसी में होता क्या है कि शुरू से लेकर लास्ट मंथ तक ज्यादातर पेट के निचले हिस्से में दर्द रहना, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, प्राइवेट पार्ट में दर्द रहना, घुटनों में दर्द रहना, की कमर में दर्द रहना, मतलब ये सारे जो भी दर्द होते हैं ना, ये बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं वो जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ता है तो वो बढ़ते ही जाते हैं। तो अगर आप इस वजह से डर रही हैं कि अगर आपके साथ, ये आपके साथ नहीं बल्कि
हर ट्विंस मॉम के साथ होता है जब तक वो प्रेग्नेंट रहती हैं। अगर आपका मन कर रहा है और आप इस डर से नहीं कर पा रही हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये जो छोटे मोटे दर्द होते हैं ये पूरी प्रेगनेंसी रहते हैं, तो आपको इनमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मन करता है तो आप बिल्कुल कर सकती हैं। और देखिए ट्विंस प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, कई लेडीजों को बहुत ज्यादा वोमिटिंग होना, चक्कर आना, कमजोरी लगना, थकान होना, और ये बहुत ही नॉर्मल समस्याएं होती है क्योंकि हमारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। तो उस दौरान कई लेडीजों का मन होता है, कई लेडीजों का नहीं होता है। आपका मन नहीं कर रहा है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बिल्कुल भी, तो आप बिल्कुल भी रिलेशन ना रखें, आप बिल्कुल उस अवॉइड करें। अगर आपका मन करता है और आप बिल्कुल ओके हैं तो आप बिल्कुल आराम से रखिए, आपको मन मारने की कोई भी जरूरत नहीं है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप रिलेशन रखें तो आपको बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं करना है, आपको बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है और आपको बहुत देर तक नहीं करना है, ठीक है। आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करिए, आराम से करिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप किसी भी पोजिशन में कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होती है। और अब हम बात करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि हमारा धीरे धीरे पेट बढ़ने लगता है। ट्विंस प्रेगनेंसी में सिंगल प्रेगनेंसी के अपेक्षा पेट बहुत ज्यादा बड़ा होने लगता है। चौथे महीने से पांचवे महीने में पेट काफी हद तक बड़ा होने लगता है और बहुत ज्यादा ही बड़ा होता है, तो जिस वजह से हमारा बहुत कम मन करता है, ज्यादातर मन ही नहीं करता है। और पांचवें महीने से स्पेशली पेट में बहुत ज्यादा दर्द रहना चालू हो जाता है, प्राइवेट पार्ट में दर्द रहना बहुत ज्यादा चालू हो जाता है, घुटनों में दर्द होना, लेटने में दिक्कत, बैठने में दिक्कत, ये सारी इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है कि हमारा मन बिल्कुल नहीं करता है, ठीक है। अगर आपका फिर भी मन करता है तो आप करिए, और अगर आपका नहीं करता है तो आप बिल्कुल अवॉइड करिए। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि आपको बहुत जल्दी जल्दी रिलेशन नहीं बनाने हैं, मतलब आप डेली कर रही हैं ऐसा नहीं करना है आपको, जहां तक हो सके इसको अवॉइड करिए, उतना ही आपके लिए और आपके बेबी के लिए सेफ है। और आपको ट्विंस प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में बिल्कुल भी रिलेशन नहीं रखना चाहिए, जहां तक हो सके आप इसको बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि यूट्रस का साइज इतना ज्यादा बढ़ जाता है, हमको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है हर बात में। तो आप बिल्कुल ध्यान रखें, थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको बिल्कुल नहीं करना है जहां तक हो सके, और आपको जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। और आपको एक बात और ध्यान रखना है, ट्विंस प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ से लेकर सिक्स मंथ तक आप रख सकते हैं रिलेशन, लेकिन आप ध्यान रखें इस बीच आप जब भी कर रहे हैं तो आपके पेट पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं होना चाहिए, आपकी पोजीशन इस तरीके की होनी चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ पोजीशन के नाम बता रही हूँ, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं, और आप चाहे तो इनकी पिक्चर जो है गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहली पोजीशन का नाम है मिशनरी पोजीशन। ये पोजीशन बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन होती है जो हम नॉर्मल अवस्था में करते हैं, मतलब ये जो पोजीशन होती है वो आप प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये जो मिशनरी पोजीशन होती है ये आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर में बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप जो है स्पूनिंग पोजीशन, काउ गर्ल पोजीशन एंड डॉगी पोजीशन बिल्कुल ट्राई कर सकती हैं। इस पोजीशन में आपके पेट पर बिल्कुल भी दबाव नहीं पड़ेगा और आपको भी बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। और आप एक बार ध्यान रखें कि जब आप इन पोजीशंस को ट्राई कर रहे हो तब आप कंफर्टेबल हो रहे हो तभी आप करें, अदरवाइज बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ट्विंस प्रेगनेंसी में पेट इतना ज्यादा बड़ा होता है, तो इस सिचुएशन में किसी भी पोजीशन को एकदम से कंफर्टेबल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ट्विंस प्रेगनेंसी में रिलेशन को लेकर ये कुछ छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे आए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।